Good morning, all of you. I am Sambhu sir, your math teacher. Welcome back. Today we are going to discuss exercise 4.3, whose question first and most IMP topic, exams point of view, and whose first question: find the roots by completing square method. We are completing square method का most IMP questions है. उस फर्स्ट क्वेश्चन और मैं इसके साथ ही इसकी प्रोसेस भी पूरी आपको सॉल्व करवाते जा रहा हूँ और आपको क्लियर करते जा रहा हूँ. 2x² - 7x + 3 = 0. आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के क्वेश्चंस में फर्स्ट वन क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को ट्रांसफर कर लेना है. क्या करना है? 2x² - 7x = -3. इतना आपने किया, फिर दैट वन, फिर क्या करना है आपको? डिवाइड करना होता है. किससे डिवाइड करेंगे आप? किससे डिवाइड कर रहे हैं ये आपको देखना है, तो वो बताएगा कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडिंग बोथ साइड y2 then 1. अब आप देखेंगे कि आपने किससे डिवाइड कर रहे हैं, जो भी x² का कोफिशिएंट है उससे अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि क्या होगा सर. 2x² 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2x² मीन्स ये रिमेनिंग रहेगा x² - 7/2 x = -3. नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? ऐड करना है स्क्वायरिंग ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 1/2. क्या ऐड करना है? एडिंग बोथ साइड 1/2, स्क्वायरिंग ऑफ 1/2 ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मींस 1/2 का स्क्वायर और कोफिशिएंट किसका? एक्स का. तो आप देखेंगे कि x² - 7/2x + 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/4. कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर मीन्स 7 × 7 = 49/4. क्लियर? = -3/2 + 49/4 then 1. x² - 7/2x plus we can write 7/4 raised to the power 2. तो यहां क्या करना है? यहां भी ऐड करना होता है. किसको ऐड करेंगे? तो द स्क्वायर ऑफ 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स. मींस हमेशा हमेशा ये होता है कि आपने x² कोफिशिएंट अगर 1 बना लिया है, दैट वन आपको ऐड करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स इनटू 1/2 होल स्क्वायर, या स्क्वायरिंग ऑफ 1/2 इनटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स देन 1. इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 4 आ रहा है, और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 × 4 = 3 × 6 + 49. क्लियर? ये फॉर्मूला होगा x - 7/4 raised to the power 2 a² - 2ab + b². क्लियर है इतना? और यहां से हम देखें कि क्वेश्चन, एक सेकंड पे, ये मिस्टेक हुआ है ये 1/4 इंटू मैंने आया था तो मीन्स हो जाएगा 49 अपॉन 16 सॉरी माइनस 3/2 तो एलसीएम आया 16 2 एड करके मींस 24 प्लस 49 और ये आपका आ जाएगा 25 अपॉन 16. क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे आपने क्या किया, फिर भी मैं आपको रिवाइज करता हूँ. ये जो भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का क्वेश्चन होगा, फर्स्ट वन आप x² को कोफिशिएंट 1 कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसको कोफिशिएंट्स को होल इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, कांस्टेंट टर्म ट्रांसफर कर दी, और आपको ऐड करना है
वन अपॉन डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, वन अपॉन क्या ऐड करना है, ऐड करना है देखना वन अपॉन फोर, और यहां डिनोमिनेटर में चल रहा है या यही कर दे बी स्क्वायर, और अपॉन में अगर ए स्क्वायर आ रहा है तो ये ऐड करना होता है, ठीक है, ये स्टेप है एक्चुअल में, वन अपॉन फोर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्लियर। तो देखिए अब इसके बाद जो स्टेप्स बनी है क्या है इस क्वेश्चन में, x माइनस सेवन अपॉन फोर होल रेस टू दी पावर टू अंडर ब्रैकेट प्लस माइनस फाइव अपॉन फोर होल रेस टू दी पावर टू, फर्स्ट प्लस साइन की बात करें टेगा प्लस साइन तो क्या होगा x माइनस सेवन अपॉन फोर इक्वल फाइव अपॉन फोर, तो x इक्वल टू फाइव अपॉन फोर प्लस सेवन अपॉन फोर, देन वन एक्स इक्वल्स टू एलसीएम क्या आएगा फोर। भाई आपने पॉजिटिव साइन लिया कंपेयर किया तो ये कंडीशन आई थी एक्स माइनस सेवन अपॉन फोर प्लस फाइव अपॉन फोर चल रहा था, माइनस ट्रांसफर ऊपर प्लस हो गया, ट्वेल्व अपॉन फोर फोर थ्री जा, तो एक्स इक्वल्स टू आया फर्स्ट रूट जो है वो थ्री आया, सेकेंड विच साइन माइनस साइन, x माइनस सेवन अपॉन फोर इक्वल माइनस फाइव अपॉन फोर, एक्स इक्वल्स टू माइनस फाइव अपॉन फोर, माइनस ट्रांसफर होगा तो प्लस सेवन अपॉन फोर, देन वन एक्स इक्वल्स टू फोर माइनस फाइव प्लस सेवन, एक्स इक्वल्स टू टू अपॉन फोर तो वन बाय टू, या दीज आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बाय द सॉल्व बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्लियर हो रहा है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर होगा, क्लियर। एक दो क्वेश्चन और करेंगे इसके, क्लियर, थैंक यू ऑल ऑफ यू।